भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई विनोद सोनकर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों भाइयों बहनों, जब चुनाव घोषित हुआ मैंने कहा था कि आंधी है आंधी, और मैंने ये भी कहा था कि जैसे जैसे चुनाव निकट आएगा ये आंधी सुनामी में पलट जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों को मेरी इस बात का जवाब खोजने में 2 महीने लग गए। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बहुत बताया कि मोदी कहता है सुनामी आएगी, तो बोले सुनामी तो विनाश होता है, तो क्या मोदी विनाश लाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है मेरे कांग्रेस के मित्रों, विनाश आने ही वाला है। विनाश कांग्रेस का होने वाला है, विनाश देश को लूटने वालों का होने वाला है। विनाश कांग्रेस पार्टी का होने वाला है, देश को लूटने वालों का होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बचने वाली नहीं है, और कांग्रेस ही नहीं, इनके सारे यार दोस्त, उनके चेले चपाटे, सपा हो या बसपा, इनका भी विनाश नहीं है। भाइयों बहनों, ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये अलग अलग है क्या? अरे बताओ ना, क्या जन है पूरी ताकत से बताओ, क्या अलग अलग है कि एक है? ये सपा बसपा कांग्रेस एक है कि अलग अलग है? ये सारे लखनऊ में तो कुश्ती करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाके दोस्ती करते हैं। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये तीनों एक ही थाली में खाना खाते हैं। और मैडम सोनिया जी पहुंचती है, ये इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि लूट का माल बांटने में काम आता है। भाई बहनों, ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, तीनों के कारोबार देख लीजिए। हिंदुस्तान में दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म होने वाले जो राज्य है, उन राज्यों में कांग्रेस शासित, सपा बसपा शासित राज्य सबसे आगे है। जो सरकारें दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े, अगर उनको सुरक्षा नहीं दे सकती, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकारों को
राज करने का कोई हक नहीं होता है। भाई बहनों, पूरे हिंदुस्तान में मैडम सोनिया जी आप यहां से एमपी हो, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हो, आपका बेटा भी यहां से चुन करके जाता है और आपकी मदद करने वाले लोग यहां सरकार में बैठे हैं और आप एक महिला हो। महिला भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में ये भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है, भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, उसमें पहले 10 जो राज्य है उसमें 7 कांग्रेस के राज हैं और 3 ये कांग्रेस को समर्थन करने वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। एक भी भाजपा का राज्य पहले 10 में नहीं है। महिलाओं के अत्याचार में, दलितों पर अत्याचार में कहीं पर भी भाजपा सरकारों का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति गुंडागिर्दी करने वाले, अपराध करने वाले, गरीबों को पीड़ित करने वाले, इसी के आसपास चली है। और भाइयों बहनों, हम दिल्ली में ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जहां दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की, पिछड़ों की सुरक्षा की गारंटी हो, माता और बहनों के सुरक्षा की गारंटी। भाइयों बहनों, हमारे देश का किसान, अगर किसान को पानी मिल जाए तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। लेकिन आज देश में किसानों को 60 साल हो गए पीने का पानी मुहैया नहीं होता है, तो खेत में तो पानी कहां से पहुंचाएंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, वैसे भाजपा की नई सरकार पूरे देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देकर के हर खेत को पानी पहुंचा। भाइयों बहनों, हमारा एक ही एजेंडा है, विकास। विकास के बिना देश का भला नहीं होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली में मां बेटे की सरकार, लखनऊ में बाप बेटे की सरकार और चाचे भतीजे का कारोबार, मुझे बताइए आपके हाथ में कुछ आएगा क्या? आपका भला होगा क्या? यहां के नौजवान का भला होगा क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, बहुत हो चुका, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बर्बाद हो चुका, अब इसे बर्बाद मत होने। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आपके लिए कुछ करना है, मेरी मदद करो, मुझे आपके लिए कुछ कर दिखाना है। भाइयों, मुझे बताओ भाइयों, 5 साल बहन जी ने राज किया, 5 साल बहन जी ने राज किया ना, और पिछले कुछ वर्षों से बाप बेटे की सरकार चल रही है ना, दिल्ली में मां बेटे की सरकार 10 साल से चल रही है ना, आपका भला हुआ? जरा जोर से बताओ ना, आपका भला हुआ? नौजवानों का भला हुआ? किसानों का भला हुआ?
आपके गांव का भला हुआ? अगर इनको भला करना ही नहीं है तो भला उनको रखते क्यों हो? क्या रखते हो? जोर देखो। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके यहां मजदूरी करने के लिए आऊं आपके खेत में, और आपको भी लगा हाँ यार नौजवान तो अच्छा है, चलो खेत में काम के लिए रख ले, हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता अगर मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो आप मेरी नौकरी चालू रखोगे? निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? मुझे भगा दोगे कि नहीं भगा दोगे? भगा दोगे ना? तो इन्होंने कुछ नहीं किया, कब तक रखोगे भाई? कुछ किया क्या देश के लिए? कब तक रखोगे इनको? भाइयों बहनों, देश लूटने वालों से ये देश को बचाना होगा। और भाइयों बहनों, चुनाव के अब तक के जो दौर हुए हैं, अब तक जो चुनाव हो चुका है, देश के मतदाताओं ने दो महत्वपूर्ण काम कर दिए हैं। दो काम हो चुके हैं। एक, देश के मतदाताओं ने मतदान करके इतना तो पक्का कर लिया है कि मां बेटे की सरकार गई। मां बेटे की सरकार गई, अब बच नहीं सकती भाइयों। और दूसरा काम किया है, दूसरा काम किया है आने वाली नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। अब आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। मेरे शब्द लिख के रखिए भाइयों, इस बार हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। इस देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी नव के आंख को छू सके, ऐसा एक भी राज्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस तीनों नव के आंख तक छूने वाले ने इस बार जनता साफ कर देने वाली, जनता साफ कर देने वाली है। और जनता इस चुनाव में उनको अपने पापों की सजा देने वाली है। सजा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए भैया? इनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? सबके सब बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको किसकी सरकार चाहिए नहीं पूछा है, मैंने तो पूछा है कैसी सरकार चाहिए। दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी? मरी पड़ी सरकार चलेगी? अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा देश चलाना है तो दमघम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मरी पड़ी सरकार चाहिए क्या? अरे आपके इलाके में एक दरोगा हो ना, दरोगा पुलिस वाला, वो भी जिला डाला अगर है ना तो लोग कहते हैं यार दरोगा बेकार है, कहते कि नहीं कहते? लोगों को भी मजबूत दरोगा चाहिए कि नहीं चाहिए? सीना तान के खड़ा ऐसा दरोगा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए?
आपको मालूम है कि इलाके में मजबूत दरोगा आएगा तो कभी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, तो भी मजबूत दरोगा चाहिए चाहिए, किसी को ढीला ढाला दरोगा अच्छा नहीं लगता है। अरे बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा होता है, लेकिन अगर मास्टर जी में दम नहीं होता है ना, तो बच्चा आकर के उनको नीचे रखिए, सम्मानीय है, संत पुरुष है, उनका आदर कीजिए। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अगर बच्चा स्कूल जाता है और मास्टर जी में दम नहीं है ना, तो छोटा बच्चा भी घर आके कहता है मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरे टीचर में दम नहीं है। बच्चा ऐसा कहता कि नहीं कहता है? मुझे बताइए, कहता कि नहीं कहता है? अरे छोटे बच्चे को भी टीचर दम वाला लगता है, मुझे बताइए। इतने बड़े देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मजबूत सरकार बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? अगर मुझे 300 कमल मिल जाए तभी तो मजबूत सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल आ जाए तभी तो मजबूत सरकार बनेगी। और यहां से कमल भेजोगे, बड़े उत्तर प्रदेश से सारे कमल भेजोगे? भाइयों बहनों, आप अगर मुझे मजबूत सरकार देते हो तो मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भाइयों बहनों, अगर हमें समस्याओं से बाहर निकलना है, विकास के रास्ते से ही निकल सकते हैं। ये जातिवाद का जहर, ये संप्रदायवाद का जहर, ये भाई भतीजावाद, ये वंशवाद, इसने आपकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। भाइयों बहनों, 60 साल आपने शासकों को चुना है, अब देश को शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक चाहिए। भाइयों सेवक, भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। 60 साल आपने शासक देख लिए, 60 महीने के लिए इस सेवक को मौका दीजिए। 60 महीने के लिए सेवक को मौका दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, आपके सपने पूरा करने का मैं वादा करता हूं, आपकी जिंदगी बदलने का मैं वादा करता हूं। भाइयों बहनों, देश का भविष्य बदलने के लिए ये मां बेटे से मुक्ति दिलाओ देश को, तभी देश का भला होगा। भाई विनोद को विजयी बनाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए, और मेरे नौजवान साथी को मुझे संसद में दीजिए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की जय।